रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। देखिए, जैसे कि आपके सामने लेकर आया हूँ होंडा यूनिकॉर्न 150 सीसी का, ये है फुल इंजन बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, ये है मेन चेंबर, बिल्कुल कंप्लीट वॉश करके रख दिया हूँ मैंने। देखिए, एकदम कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा वाला पल्ला देखिए, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए एकदम स्मूथ, बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करके रखा हूँ मैंने। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए गियर बॉक्स लगाने का किस तरह से तरीका है। देखिए, आपको गियर बॉक्स लगाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये है गियर बॉक्स। देखिए, इसमें कितना पिनियन है, एक पिनियन, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये पाँच गियर वाले गाड़ी हैं। तो देखिए, इसका दोनों पिनियन के नीचे में देखिए, एक यहाँ पर वाशर है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो दो वाशर जो है इस बेयरिंग में रहना होगा। और सबसे पहले इस बेयरिंग में जो है इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि साउंड ना आए, एकदम स्मूथ चले। तो देखिए, ये है इंजन ऑयल और यहाँ पर देखिए इंजन ऑयल डाल दिया मैंने, ये दोनों बेयरिंग में डाल दिया। और देखिए, इसको एकदम बिल्कुल स्मूथ तरीक़े से फ्री घूमना है ताकि गाड़ी स्टार्ट हो तो इस बेयरिंग का जो है साउंड काफ़ी अच्छा आएगा, इसलिए इसमें डाल दिए। और देखिए, अब ये है गियर बॉक्स। तो इस गियर बॉक्स को किस तरह से लगाएंगे हम, देखिए ये वाशर नीचे चल गया था, गिर गया हुआ था। तो वीडियो को स्किप बिना किए हुए देखते रहिए, इस गाड़ी को किस तरह से गियर बॉक्स लगाया जाता है। यूनिकॉर्न 150 सीसी है। देखिए, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, देखिए ये है, यहाँ पर इसे डालेंगे, इसको नीचे लगाएंगे, इसको अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे जो है चेंजर। और चेंजर को देखिए, इसे थोड़ा सा पुश करके ऊपर लाएंगे और इसका जो है दो रड, तो देखिए इसको ज़रा माथी पुश करके ऊपर से लाएंगे और ये नीचे वाले को ज़रा सा पुश करेंगे ऊपर, ताकि अपने ये जो है सिस्टम में बैठ जाएगा। देखिए, गियर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो देखिए, बड़ा वाला यहाँ पर लगेगा किस तरह से, तो देखिए ये है बड़े वाले पुश रॉड जिसको यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए देखिए, ये है यहाँ पर, यहाँ पर अब ये छोटे वाला पुश रॉड को जो है यहाँ पर हम इसको जरा सा इंजन ऑयल में डुबा दिए हैं यहाँ पर, और इसको लगाएंगे हम, लग गया। देखिए, और गियर किस तरह से चेंज होता है यहाँ पर, देखिए गियर किस तरह से लगता है। देखिए, पांच गियर गाड़ी है और इसमें पांच गियर कैसे लगता है या नहीं लगता है आपको दिखा देते हैं एकदम अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहले देखिए ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल हो चुका है। देखिए, अब ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब देखिए, गियर लग गया, एक नंबर गियर हो चुका है, देखिए एक नंबर, अब न्यूट्रल, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर लग गया। देखिए, तो गियर एकदम अच्छा तरह से कंप्लीटेड हो चुका है। अब इसमें ज़रा सा हम इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि ये जो है पिनियन चलने में काफ़ी साउंड अच्छा देगा, इसलिए सूखा ना पड़ जाए। सूखा पड़ने पर जो है गियर बॉक्स में थोड़ा बहुत समस्या आ जाता है, इसीलिए ये काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। और इसका क्रैंक अभी फिलहाल जो है अभी लेथ में, लेथ पर हमने भेजा दिया है कैनेडियन रॉड असेंबली को चेंज करने के लिए। तो फिलहाल इसे हम भी वॉश करके गियर बॉक्स लगाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। आप नए नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो फर्स्ट में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए इसको थोड़ा सा पल्ला को थोड़ी देर के लिए लगा देता हूँ जब तक क्रैंक नहीं आ जाता है, इसलिए कि ये गियर बॉक्स अपने जगह से इधर उधर ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी तरह के मोटरसाइकिल रिपेयर करना हो तो पेट्रोल वाली गाड़ी 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ पर बनाया जाता है। साथ में आपका किसी भी प्रकार की गाड़ी का पार्ट्स देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। तो किसी भी तरह का गाड़ी आप यहाँ पर मॉडिफाई भी करा सकते हैं। जी हाँ, अगर नंबर चाहिए आपको तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर आपको। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ओके, बाय बाय।